हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप शितु हैंडीक्राफ्ट्स। आज इस वीडियो में मैं ये आपको राउंड तोरण डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल और सुंदर तोरण डिज़ाइन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तोरण बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये वाइट और पिंक कलर के ऊन का यूज़ किया है और ये 3-ply वाला स्वेटर वाला ऊन है। पहले हम 6 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। पहले वाले चेन में हम स्टिच करेंगे। अब आगे 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस सर्कल में हमें 10 डबल क्रोशे बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम इसको उल्टा करेंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब 1 डबल क्रोशे हो गया। फिर उसके आगे वाले चेन में हम 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2। फिर उसके आगे वाले चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशे बना लेना है। 1, 2। आगे हम हर एक चेन में 2 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट वाले चेन में 1 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हम टोटल 18 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ये 17 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हम 1 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसको उल्टा करेंगे। पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब उसी चेन में से हमें और 2 बार डबल क्रोशे बना लेना है। 1, 2। टोटल हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब आगे हम यहाँ पर 1, 2, 3 चेन छोड़ेंगे और चौथे वाले चेन में 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3। अब आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब यहाँ पर हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरे वाले चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। अब इसी तरीके से हम 2 2 चेन छोड़ते हुए और आगे बना लेंगे और यहाँ पर लास्ट में हम 3 चेन छोड़ के लास्ट वाले में 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बना लिया है। यहाँ पर हमें ये डिज़ाइन 6 टाइम बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आगे हम पहले 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हमने ये 3 डबल क्रोशे बनाए थे, उसके सेंटर वाले डबल क्रोशे में हम 4 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने ये 3 चेन बनाया था, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4। अब आगे 3 चेन बनाएंगे। फिर सेम तरीके से सेंटर वाले में हम 4 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड को पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने ये राउंड को भी पूरा कर दिया है। अब आगे हम पहले 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हमने ये 4 डबल क्रोशे बनाए थे, उसके सेंटर में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6। अब आगे 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम सेंटर में 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड को भी पूरा कर देंगे।
यहाँ पर मैंने ये राउंड को भी पूरा कर दिया है। अब आगे हम तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशे बनाए थे, उसके सेंटर में हमें 8 बार डबल क्रोशे बना लेना है। ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। अब आगे हम 3 चेन लेंगे और सेम तरीके से इस राउंड को भी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ये राउंड को भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम वाइट कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम 2-3 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब आगे हम 25 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम 25 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और आगे हम बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 25 चेन बना ली है। अब यहाँ पर आगे वाले चेन में हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से, फिर उसके आगे वाले चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे वापस हम 25 चेन बना लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर आगे वाले चेन में पहले जोड़ेंगे, फिर उसके आगे वाले चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वापस हम 25 चेन बनाएंगे और उसके आगे वाले चेन में जोड़ेंगे, और यहाँ पर हम 3 बार 25 चेन लेंगे और जोड़ेंगे। ऐसे हमें यहाँ पर 3 बार बना लेना है, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर बनाते जाएंगे। अब यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब पहले हम यहाँ पर इसको यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 25 चेन लेंगे और यहाँ पर हमें 3 बार बनाना है, फिर आगे सेम तरीके से हम बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन को बना लिया है। अब यहाँ पर हम पिंक कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें धागे को इस तरीके से लंबा रखना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो गए, फिर आगे वाले इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब उसके आगे वाले में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड को पूरा कर देंगे। यहाँ पे हमने ये डिज़ाइन बनाया था, इसमें हमें हर एक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर मैंने ये राउंड को पूरा कर दिया है। अब आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब आगे वाले चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम तरीके से हम धागे को लंबा रखते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके आगे वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी पूरा कर देंगे। यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर के धागे को ज्वाइन कर दिया है। अब आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब उसी में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, ये 2 और ये 3। यहाँ पर टोटल हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम ये 1
दो तीन छोड़ के यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, आगे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर हम तीन छोड़ के यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये राउंड को पूरा कर देंगे। ये लाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर हम ये पिंक कलर के धागे को ज्वाइन करेंगे। अब आगे हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब उसी में से हमें तीन बार डबल क्रोशे बनाना है। ये दो हो गया, ये तीन। अब आगे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन। फिर आगे तीन चेन बनाएंगे, यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम ये लाइन को भी पूरा कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पूरे तोरण को बना लिया है और यहाँ पर नीचे मैंने पॉम पॉम लगाए हैं।